हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2021। बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवे से जुड़ा हुआ एक और शानदार कंपनी RVNL। RVNL के शेयर में लास्ट दो दिन के अंदर बम्पर तेजी देखने को मिला। सबसे पहले मतलब कल की डेट पे भी इसके अंदर लगभग 10% का तेजी, आज के दिन में भी लगभग 20% के ऊपर एंड में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो इसके पीछे रीजन क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे, और उसके साथ साथ RVNL के अंदर आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है उसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2021। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे का एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी RVNL। RVNL के शेयर में दोस्तों लास्ट दो दिन पे शेयर ऑलमोस्ट 30-35% भाग चुका है। अगर आप देखोगे दोस्तों, देखिए 5 दिन के भीतर भीतर ही ये शेयर लगभग 37% के ऊपर जंप लगा दिया। कल भी ये शेयर के अंदर लगभग 11-12% के ऊपर तेजी, आज के दिन पे भी फिर से हमें तेजी देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 20% के ऊपर अपर सर्किट एंड तक लग गया था। तो अब जो सवाल आ रहा है दोस्तों, RVNL की ये तेजी के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? क्या बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है? क्या बोनस शेयर डिविडेंड वगैरह कुछ डिक्लेयर किया है, या OFS का कोई चक्कर है? ध्यान से सुनना, मैं एकदम आपको लॉजिकली समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। अगर देखा जाए दोस्तों, RVNL की तरफ से कोई भी न्यूज़, कोई भी नोटिस, या हो सकता है कि अभी सब सारे कंपनीज का रिजल्ट आउट हो रहा है तो हो सकता है डिविडेंड वगैरह दे या बोनस शेयर डिक्लेयर किया, ऐसा बहुत लोगों को लग सकता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इसका जो फाइनल शेयर रिजल्ट ये लास्ट टाइम का दिखा रहा है, अभी तक कोई भी डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, ना ही डिविडेंड दे रहा है, ना ही बोनस शेयर दे रहा है। अब हुआ क्या? तो इसके लिए दोस्तों ध्यान से देखना और सुनना, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको ओपन किया मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। RVNL मार्केट के ऊपर लिस्ट कब हुआ था? इसका IPO आया था 2019 में और लिस्ट हुआ था 12 अप्रैल 2019। ध्यान से सुनना दोस्तों, यानी 2019 अप्रैल से लेकर आज तक अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 2.5 महीने के आसपास हुआ है। और सेबी का एक गाइडलाइंस है, सेबी का क्या गाइडलाइंस है कि कोई भी कंपनी अगर IPO के थ्रू मार्केट के ऊपर लिस्ट होता है और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर 75% से ऊपर रहता है, ध्यान से सुनना, 75% से ऊपर रहता है, तो अगर हम चेक कर लेते हैं कि RVNL का शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% से ऊपर है या नहीं, तो जी हाँ है, 78% के आसपास है। और अगर हम देखें दोस्तों, RVNL मार्केट में लिस्ट हुआ कब, कितना दिन हुआ है, 2.5 साल हो गया है। तो RVNL के पास ओनली 6 मंथ्स बाकी है। 6 मंथ्स बाकी है किसके लिए? जो इनका मेन प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका जो स्टेक है उसको 75% की नीचे करने का। इसके पहले भी हमने देखा था RVNL का अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्रोमोटर का जो स्टेक था अप्रॉक्सीमेटली 87% के आसपास था, जो कुछ दिन पहले मतलब कुछ महीने पहले ही इसका OFS लाया गया था, और आज की डेट में 78% के आसपास है, तो इससे भी कम करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही पुराना घिसा पीटा तरीका होता है कि पहले शेयर को पंप किया जाता है बहुत ज़्यादा, 20%, 30%, 40%, उसके ऊपर दोस्तों लगभग 2-3 दिन बाद शेयर के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस में OFS डाल दिया जाता है लगभग 10-15% के डिस्काउंट में। ये बहुत ही एकदम मतलब सिंपल एंड घिसा पीटा तरीका, बहुत पुराने ज़माने से ये चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा, तो ये होने का चांस ज़्यादा है। क्यों मैं आपको लॉजिकली समझा दिया, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों, RVNL का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रोमोटर के पास स्टेक है वो 78% के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट 3% ज़्यादा है। आज की डेट पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है कि जो डाइवर्समेंट के थ्रू जो पैसा कलेक्ट करेगा, ऑलमोस्ट हो चुका है एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, BPCL, और आगे दोस्तों LIC जैसे बड़े यहाँ पे जो कंपनीज है इंश्योरेंस सेक्टर का, उसका भी दोस्तों डाइवेस्टमेंट होने जा रहा है, ठीक है। तो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, फर्स्ट हाफ हो चुका है, अभी सेकंड हाफ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि RVNL के अंदर OFS बहुत जल्दी आगे आने वाले कुछ महीने के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो आप हो सकते दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हो, तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है कि और भी एक रीज़न हो सकता है कि हो सकते यहाँ पे कोई इनसाइडर न्यूज़ हो, आज की डेट में पता नहीं चल रहा, बट इन फ्यूचर में जाके हो सकता है कि पता चलेगा, ये
भी हो सकता है, बट मुझे जैसे जो अनुमान है मेरा, यहाँ पे OFS आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि RBNL के पास ओनली 6 महीने ही बाकी है, 6 महीने बाकी है, क्योंकि अप्रैल के पहले जो सेबी का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है उसे 75% से नीचे करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, आज की डेट पे और कल की डेट पे दोनों मिला के काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। अब जो हम बात करेंगे इसके अंदर क्या आपका स्ट्रेटजी हो सकता है, सिंपल बात है दोस्तों, सबसे पहले एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको रेलवेज के अंदर निवेश करना ही है, मैं IRFC की वीडियो में भी आपको कहा था कि IRCTC से बेटर ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो कंपनी वाइज मोनोपोली बिजनेस है, दूसरा कंपनी का बिजनेस के अंदर जो स्केल है वो लगातार अप हो रहा है, स्केल अप भी हमें देखने को मिल रहा है, कंपनी का मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अगर हम देखा जाए दोस्तों कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर कोई कंपनी बिजनेस करता है तो वो सेक्टर अगर कोई गिरावट होता है तो शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिलता है, बट रेलवे के अंदर दोस्तों IRCTC के पास काफ़ी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको RBNL के अंदर निवेश करना ही है तो उस केस में दोस्तों जो लेवल्स एंड सपोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस लेवल्स एंड सपोर्ट के ऊपर प्ले करके आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा जनवरी के एकदम फर्स्ट में इसका OFS आया था, और ये उस टाइम पे भी देखिए ये शेयर कहाँ पे चल रहा था, उसके पहले ये नंबर्स आप देखिए, ये मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके पहले 25 रुपये के नीचे था, जब OFS लाया गया था उसके पहले शेयर को पंप करके 35 रुपये तक भागा था, उसके बाद देखिए OFS लाया था ऑलमोस्ट 28-29, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं आ रहा, बट वही 29-30 रुपये के आसपास ही OFS का फ्लोर प्राइस रखा गया था। तो ये एक बहुत ही घिसा पिटा तरीका है, और इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का OFS लाने का। तो अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आपको निवेश करना है तो अभी बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि एक तो इसका RSI इंडेक्स अगर आप देखोगे दोस्तों 85 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब हाईली ओवरबॉट जोन। दूसरे पॉइंट है ये एक PSU कंपनी है, तो जिस कारण बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है। अगर आप देखोगे दोस्तों लास्ट 2 दिन को छोड़ के ये आपके सामने ओपन है, लगभग 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, शेयर में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिला। जब RBNL का लास्ट टाइम OFS आया था जनवरी के महीने, तब से लेकर आज तक दोस्तों ऑलमोस्ट 10 महीना हो चुका है, तो 10 महीने में कुछ भी खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, हल्का फुल्का बीच बीच में ऊपर की जाने की कोशिश, बट यहाँ पे फ्लैट ही हमें देखने को मिला। तो अगर आपको निवेश करना है नीचे की तरफ, जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो लेवल के ऊपर आप धीरे धीरे पॉइंट जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर सकते हैं। नीचे की तरफ लेवल दोस्तों 35 रुपये का लेवल, तो अभी 35 रुपये आने में हो सकते हैं काफ़ी टाइम लगे, हो सकते हैं OFS का जो फ्लोर प्राइस वो भी 35 रुपये या उसके आसपास या 36 रुपये के आसपास हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। तो देखा जाए दोस्तों अभी इसके ऊपर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, सिंपल स्ट्रेटजी है वेट एंड वॉच, शेयर के कहाँ से कितना मूव करता है ये भी पहले ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्ट करने का सोचना। दूसरी पॉइंट, अगर आप देखा जाए दोस्तों आपके पास शेयर है RBNL का, तो उस केस में आप चाहे तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मतलब समझ लीजिए कि आप RBNL के अंदर 20 रुपये की भाव पे, ठीक है, लास्ट ईयर पे हो सकता है कि आपने 20 या 25 रुपए की भाव में कुछ क्वांटिटी, समझ लीजिए कि 100 क्वांटिटी का शेयर पिक किया, तो आज की डेट पे ये शेयर ऑलमोस्ट 43 रुपए के ऊपर चला गया है, तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 90-100% के आसपास प्रॉफिट होगा। तो उस केस में आप यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको विदड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते, मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत यहाँ पे हिसाब सेल कर सकते हैं। तो ये आपका बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगा RBNL के अंदर। वीडियो कहीं पर वाइंड अप करता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।